अक्सर आपने देखा होगा कि किसी काम को करते समय हमारे शरीर में थकावट और कमजोरी महसूस होती है और यही कारण है कि जॉब से या ऑफिस से घर आने पर आदमी इतनी थकावट महसूस करता है कि परिवार को तो वो समय दे ही नहीं पाता। बचपन की नासमझियाँ, सही खान पान का ना होना या गलत लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी चीजें हैं जो शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला करती जाती हैं और यही कारण है कि शरीर में कमजोरी, थकावट और अनिद्रा जैसी बीमारियां होने लगती हैं। आंखों की कमजोरी, नसों की कमजोरी, हड्डियों का कमजोर होना जैसी अनेक प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हमारे शरीर में घर करने लगती हैं। आसान सा नुस्खा मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे आज से ही लेना शुरू कर दें। ये नुस्खा बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है और बनाना इसे और भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसे बनाना और इसका टेस्ट तो बच्चों को इतना भाता है कि पूछो ही मत। दोस्तों, 10 दिन के अंदर आप अपने शरीर में फर्क महसूस करने लगेंगे। जिन बच्चों की आईसाइट कमजोर है या बड़े बूढ़े जिनकी आईज में प्रॉब्लम्स आने लगी है तो ये उनके लिए बहुत ही कारगर रहे। दोस्तों, इसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं पहले उसके बारे में आपको बता देते हैं। हमने लिए हैं 10 से 15 भीगे हुए बादाम, 2 गिलास दूध की क्वांटिटी बता रही हूँ मैं आपको। इसके 2 गिलास दूध के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो आपको बता रहे हैं। आपने जितने गिलास दूध बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप अपने इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बादाम को ओवरनाइट पानी में भिगो कर रखना है ताकि इसकी गर्मी निकल जाए और बेनिफिट्स दुगने हो जाए। दोस्तों, हम लेंगे 15 गिरी बादाम की और इन्हें छील लें। अब हम लेंगे 1 चम्मच सौंफ, 4 से 5 इलायची और साथ में हमें लेनी है सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च के दाने लेने हैं, ये आपको बहुत ही इजीली किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएंगे। दोस्तों, सफ़ेद मिर्च आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर आपको सफ़ेद मिर्च ना मिले या आपके पास ना हो तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 10 दाने सफ़ेद मिर्च के लेने हैं। अब हम इसमें डालेंगे मोटी मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है उसे लेना है। जितना मीठा आपको पीना है उसके अकॉर्डिंग आपको मिश्री ले लेनी है। दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो मीठे को कम रखें, वरना आप जितना मीठा लेना चाहें अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है मिक्सी का जार और उसमें डाल देनी है इन सभी चीज़ों को। इसे पीस लेंगे हम बिल्कुल बारीक। बारीक पीसने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध ताकि ये बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाए। इसे अच्छे से चलाइए मिक्सी में और बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लीजिए ताकि इसके दाने मुंह में ना आए। पेस्ट बनाने के बाद अब आप लेंगे एक पैन और इसे रखेंगे गैस पर। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। दोस्तों, अगर आप बीपी के पेशेंट हों तो घी को स्किप कर दीजिए, आप घी का प्रयोग मत कीजिएगा, वरना आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो भी आप घी को छोड़ सकते हैं। तो चलिए घी को गर्म कीजिए। आपको गैस को रखना है मीडियम फ्लेम पर और जो पेस्ट आपने बनाया था उसमें डाल दीजिए। 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, घी में पका लीजिए इस पेस्ट को ताकि इसका फ्लेवर मिक्स हो जाए आपस में। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे दूध को। दूध डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, चम्मच से हिलाते रहिए और उबलने के लिए रख दीजिए। जब इस दूध में उबाल आ जाए तो गैस को कर दीजिए ऑफ और एक प्लेट लेकर इसे ढककर रख दीजिए। तो दोस्तों, अब इसे ऐसे ही ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। रेडी हो गया आपका स्पेशल मिल्क, खुद भी पीजिए और अपनी फैमिली को भी दें। दोस्तों, ये बाजार में मिलने वाले महंगे से महंगे एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा असरदार है और इसका स्वाद तो इतना ज़बरदस्त है कि आप एक बार इसे पीना शुरू कर देंगे तो छोड़ ही नहीं पाएंगे। इसे आप सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम में ले सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।